खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं एक आफत की जो गले पड़ गई है अरविंद केजरीवाल के गले मिलने के बाद। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने पटना के गांधी मैदान में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से गले लगकर मुलाकात की। इस पर हर तरफ सवाल किए गए, पार्टी ने सफाई दी लेकिन सफाई नाकाफी रही, जिसके बाद खुद सीएम अरविंद केजरीवाल को सफाई देनी पड़ी। पटना का गांधी मैदान एक इतिहास की रचना करने के लिए तैयार था, मंच सज चुका था, मेहमान और मेजबान सभी आ चुके थे। मेहमानों की उसी लिस्ट में एक नाम था, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। 20 नवंबर को गांधी मैदान को नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के लिए सजाया गया था। पंजाब, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और दिल्ली तक समारोह के निमंत्रण पत्र भेजे गए थे। जिन्हें बुलाया गया था वो आए भी थे। उसी मंच पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव भी थे, बगल में केजरीवाल थे। उसके बाद जो तस्वीर बनी उसकी चर्चा आज भी हो रही है, क्योंकि उस तस्वीर में केजरीवाल चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव से गले मिल रहे थे। गले ही नहीं मिले, हाथ ऊपर उठाकर अपनी विजय और खुशी का इजहार भी कर दिया। पटना के गांधी मैदान में जो क्रिया हुई, न्यूटन के सिद्धांत के मुताबिक उसकी प्रतिक्रिया दिल्ली में हुई। ये केजरीवाल सरकार ने कहा था कि हम एक अलग तरह का शासन व्यवस्था देंगे, जब उनके यहाँ आधे मंत्री लगभग इन्हीं आरोपों में जेल में जा चुके हों, तो उनके पास अब कोई चेहरा दिखाने के लिए बचा नहीं। अब केवल दोनों ही मिलकर गले मिल सकते हैं। दोनों मिलकर के गले मिलकर के अगर भ्रष्टाचार अब उनके लिए मुद्दा ही नहीं है तो गले ही मिलेंगे और करेंगे क्या। सवाल आम आदमी पार्टी, उस पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर उठाए जा रहे थे, क्योंकि केजरीवाल ने भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्टाचार के दमन के लिए राजनीति में आने का ऐलान किया था। सवाल सीधे सीधे उसी केजरीवाल की सोच पर उठाए जा रहे थे। केजरीवाल के संजय ने भी इस पर सफाई दी पार्टी की तरफ से। एक समारोह के शपथ ग्रहण समारोह में एक मुख्यमंत्री के जाने के और वहां लोगों से मिलने और अभिवादन करने को जरूरत से ज्यादा तूल देकर, जरूरत से ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करके कहीं ना कहीं ये संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ आम आदमी पार्टी के खिलाफ करना है। अगर आम आदमी पार्टी कोई भी काम करती है तो उसका सिर्फ मिलजुल कर विरोध करना है। लेकिन ये सफाई काफी नहीं थी, जिसके बाद खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर अपनी सफाई दी, जिन्होंने ये बताया कि किस हालात में लालू गले लग गए, इसमें उनकी कोई खता नहीं। नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के कार्यक्रम में जब मैं गया, जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो सामने लालू जी खड़े थे, आप लोगों ने देखी होगी वो, तो मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया मैंने और खींच के गले लगा लिया। अभी मेरा हाथ उठा के मतलब साफ है कि जो कुछ हुआ वो अचानक में हुआ, केजरीवाल उसके लिए तैयार नहीं थे। पटना के गांधी मैदान का वो समारोह तो खत्म हो चुका है, लेकिन अपने पीछे सवाल छोड़ गया है। जबरदस्ती हमको गले लगा लिया था, ये तो सब बकवास है। यही मतलब निकलता है कि भाई अब आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार भूल चुकी है, भ्रष्टाचार का मुद्दा अब उसके लिए कोई अहम मुद्दा नहीं है। और जिसमें केजरीवाल की सफाई के बाद भी विपक्ष सवाल पूछता रहेगा, क्योंकि सवाल सच्चाई की चमकदार सफेदी और भ्रष्टाचार में शामिल मैली आस्तीन के मिलन का है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। अरविंद केजरीवाल से लालू के गले मिलने पर अन्ना हजारे ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि केजरीवाल लालू प्रसाद से गले मिले और ये ठीक हुआ कि वो पहले ही अरविंद केजरीवाल से अलग हो गए। टीवी पर मैंने देखा लालू प्रसाद जी और अरविंद जी का गला मिलन हो गया, दोनों भी गले में पड़कर मिल गए। उस टाइम पर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं अरविंद का साथ छोड़ा, ये अच्छा हुआ, नहीं तो आज मेरे ऊपर भी ये दाग लग जाते हैं। एक बात तो मुझे भी लग रही है, लालू प्रसाद से अरविंद ने गला मिलन करना
ये बात ठीक नहीं थी, क्योंकि चारा घोटाला अभी भी लोग भूले नहीं है, लोगों के ध्यान में है चारा घोटाला है। भले एक राज्य में उनकी पार्टी चुनकर आई हो, लेकिन देश भूला नहीं चारा घोटाला को। और हम लोग तो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते आए हैं, ऐसे स्थिति में ये गला मिलन बराबर नहीं है। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी गलती हो गई है। तो यहाँ पर सवालों के घेरे पर है अरविंद केजरीवाल भी और अब उनकी सफाई भी। तो वही सवाल उन पर उठाए हैं उनके अपने ही विधायक पंकज पुष्कर ने। केजरीवाल सरकार के एजुकेशन बिल के खिलाफ विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला और हंगामा करने के चलते ही तिमारपुर के विधायक पंकज पुष्कर को स्पीकर ने मार्शल की मदद से विधानसभा से बाहर करवा दिया। विधानसभा के अंदर असंतुष्ट आम आदमी पार्टी के विधायक पंकज पुष्कर और विधानसभा के बाहर पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन दोनों जगहों पर सरकार के दो एजुकेशन बिल्स का विरोध किया गया। पंकज पुष्कर के विरोध के कारण स्पीकर रामनिवास गोयल ने विधानसभा में मार्शल्स की मदद से उन्हें एक घंटे के लिए बाहर कर दिया। पंकज पुष्कर ने स्पीकर की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया। पंकज ने एजुकेशन बिल पर केजरीवाल सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। अवसाद के शिकार होने को हैं, कुंठा के शिकार होने को हैं, वो आत्महत्या की तरफ धकेले जा रहे हैं, उनको बिना किसी अपराध के फेल किया जा रहा है और उस पर मैं चर्चा चाहता था। हर रोज नियम 280 के अंतर्गत वो सवाल लगाया जाता है, हर रोज उसको खारिज किया जाता है, हर संभव तरीके से बात करने की कोशिश की गई, पार्टी मंच पर उस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं, विधायक लोगों के साथ चर्चा करने की कोशिश करते हैं, हर जगह सन्नाटा है। शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी, पिछले सत्र में लिखी, अभी लिखी, पूरा सन्नाटा है, कोई बात नहीं करना चाहता। वहीं विधानसभा के बाहर भी सरकार के एजुकेशन बिल का विरोध पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन ने किया। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि बिल के खिलाफ सड़कों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। अनएडिट प्राइवेट स्कूल्स में जो एम्प्लॉइज हैं, इंक्लूडिंग टीचर्स, उनको समान वेतन का जो गारंटी देता है और 42 साल से दे रहा था, वो उनको पे कमीशंस मिल रहे थे, सारे बेनिफिट मिल रहे थे, वो एक एक एक्शन से जो है उसको खत्म कर दिया है। इनको एक तरीके से वल्नरेबल बना दिया है, इनको बॉन्डेड लेबर बना दिया। तो एक तो इसका विरोध करने आए हैं और दूसरा जो इन्होंने फीस का जो लॉ लाए हैं वो फीस पे कंट्रोल करने के लिए नहीं है, इनके हाथ में जो है अधिकार दिया है स्कूल वालों का कि तुम लूट लो। दिल्ली सरकार ने बीते शुक्रवार एजुकेशन से संबंधित दो बिल सदन के पटल पर रखे थे। सरकार का दावा है कि इन बिल्स के लागू हो जाने के बाद दिल्ली में शिक्षा की सूरत पूरी तरह से बदल जाएगी। वहीं सरकार के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से माहौल बना रही है। बिल के विधानसभा में पास हो जाने पर भी भारी हंगामे की आशंका है। तरुण कालदा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो हंगामे की एक तस्वीर देखने को मिली विधानसभा के बाहर, तो दूसरी तस्वीर देखने को मिली आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक के बाहर। जी हां, आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की इस बैठक में संगठन समेत चार प्रस्ताव पास करने के साथ ही केजरीवाल के संयोजक पद के कार्यकाल समेत एनी मेंबर्स के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। साथ ही इसमें पंजाब चुनाव लड़ने का पर भी फैसला लिया गया। दिल्ली में आयोजित आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें चार प्रस्ताव पास करने के साथ ही दिल्ली के बाद पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। पंजाब को लेकर भी चर्चा की गई और पंजाब के बारे में भी प्रस्ताव पारित किया गया और 2017 का जो मिशन है पंजाब का, उसको पूरा करने के लिए सबने एक स्वर में संकल्प लिया। 2017 के चुनाव में पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का और बादल के गुंडा राज से मुक्ति दिलाने का संकल्प आज राष्ट्रीय परिषद ने लिया, इसका भी एक प्रस्ताव आज यहां से पास किया गया है। पार्टी की अंदरूनी लड़ाई पर लगाम लगाने के लिए इस बैठक में पार्टी के संविधान में एक संशोधन पास किया गया है। इसके साथ ही एक और जहां केजरीवाल के कन्वेनर पद
और एनई मेंबर्स का कार्यकाल 15 मई 2016 यानी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, तो वहीं एनसी के सदस्यों का टर्म 2018 तक बढ़ा दिया गया है। हमने आज की चर्चाओं में ये निश्चित किया और इसे राष्ट्रीय परिषद ने पारित किया है इस प्रस्ताव को, कि राष्ट्रीय परिषद के जो प्रारंभिक सदस्य थे जिन्होंने 24 नवंबर 2012 को पार्टी का गठन किया था, उन्हें एक टर्म का एक्सटेंशन और दिया गया। जिन्होंने टर्म पूरा कर लिया है उन सभी सदस्यों को एक टर्म का एक्सटेंशन और दिया गया है। आम आदमी पार्टी की इस बैठक में 267 एनसी मेंबर्स को आमंत्रित किया गया, जिसमें से 177 लोग बैठक में शामिल हुए। मनोहर केसरी, टोटल न्यूज। ज्ञानोग्रह एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटते हैं।